الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मैं सबसे पहले मेजबान महफिल सादिक सदीकी साहब अपने बड़े भाई जनाब राणा अलियास साहब दी फ्रेंड्स ग्रुप और स्टेज पर तशरीफ फरमा मियां ताहर जमील एमपीए साहब मेरे बरादर अकबर चौधरी शहराज कालू साहब पीएस वफाकी वजीर दाखिला जनाब तारिक जांबाज साहब और हाजरीन मजलिस मैं आपको कायदे पंजाब फख्र पंजाब सदर पंजाब सुल्तान पंजाब जनाब राणा सनाउल्ला और राणा अहमद शहरयार साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। चूंकि आज कंपेन का आखिरी दिन है, बहुत सारी जगहों पर बाकी दोस्तों ने भी जाना है, मैंने भी चार पांच जगह जाना है। मैं दो तीन मिनट की बात करूंगा, मैं प्योरली इलेक्शन के हवाले से बात करना चाहूंगा। ये जो 16 अक्टूबर को इलेक्शन होने जा रहा है, ये इलेक्शन दो शख्सियात के दरमियान नहीं, ये इलेक्शन दो नजरियात के दरमियान है। एक नजरिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, उसको जब जब इस मुल्क की खिदमत का मौका मिला, वो 1997 का दौर हो तो वो एटम बम बनाकर मुल्क को नाकाबले तस्कीर करे, वो मोटरवेज का जाल बिछाकर इस मुल्क को एशियन टाइगर बनाए, वो 2013 का दौर हो तो इस अंधेरों में डूबे पाकिस्तान को दोबारा से पाक करे, दहशतगर्दी में डूबे पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करे, वो इस पाकिस्तान के अंदर सी पैक का मंसूबा लाकर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में खड़ा करे, और दूसरी तरफ वो ठग वो चोर वो बैरूनी आकाओं के यहूदी एजेंट जिनको जब भी मौका मिला वो इस मुल्क की तकदीर के साथ इस मुल्क की किस्मत के साथ खेलते रहे, उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का नारा लगाया, 50 लाख घरों का नारा लगाया, लेकिन क्या किया इस हलका के अंदर ही नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी न अहले की वजह से पाकिस्तानी अवाम की 22 करोड़ अवाम की किस्मत के साथ खेलते रहे। अभी सिर्फ अगर आपके हलका की बात हो तो आपके हलका में गुज़िश्ता 30 साल से खिदमत की मिसालें कायम करने वाले लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे जनाब राणा सनाउल्ला और चौधरी अहमद शेरानी है। ये कल के ठग, ये कल के चोर, ये पौंडा ग्रुप जब भी इनको मौका मिला इन्होंने अपनी जेबों को गर्म किया, करप्शन के बाजार गर्म किए, अपने पेट्रोल पंप लगाए, जाती कोठियां बनाई, लेकिन अगर नहीं कुछ किया तो इस हलके की खिदमत के लिए कुछ भी नहीं किया। आज ये आपके पास किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं, इन बेशर्मों को सोचना चाहिए कि इन्होंने 4 साल के अंदर ये जो हलका शहर फैसलाबाद में माडल हलका हुआ करता था, इस हलका के अंदर गंदे पानी के पानी को खड़ा करके जोहर और तालाब में तब्दील किया। अभी 16 अक्टूबर फैसले का दिन है, आपने घरों से निकलना है, अहले हलका अहले खाना के साथ लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी
अब शेरनी को जितवा कर ये सीट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गिफ्ट करेंगे। इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी आबद शेर अली साहब को जितवाना है। जब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को या उसकी टीम को ये हुकूमत मिली है, इस हकदार साहब ने आकर मईशत की बागडोर संभाली है, डॉलर अपनी औकात में